हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ एंटी स्कैन के बारे में, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एंटी स्कैन को लेकर, और जो भी मेरे पास नॉलेज है इससे रिलेटेड वो सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मेरा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था उससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करी थी और बताया था कि अल्ट्रासाउंड क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, सारी डिटेल्स बताई थी। तो उसी तरह मैं आज आपको एंटी स्कैन के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। एंटी स्कैन का मतलब है न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी स्कैन। ये स्कैन आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में होता है, यानी कि 11वें हफ्ते से लेके 14वें हफ्ते तक के बीच ही हो सकता है। अब बात करते हैं एंटी स्कैन इम्पॉर्टेंट है या नहीं। एंटी स्कैन इम्पॉर्टेंट है, पर एक और बात कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल ही ऑप्शनल स्कैन है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे डॉक्टर इसे बोलने के लिए आपको कहेंगे और बहुत सारी जगह पे डॉक्टर एडवाइस नहीं करते हैं। जनरली जो बड़ी सिटीज होती हैं जहाँ पे ये स्कैन अवेलेबल होते हैं वहीं पे डॉक्टर आपको करने को बोलता है, और छोटे मोटे शहरों में, कस्बों में जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होता वहाँ के लोग तो जानते भी नहीं कि एंटी स्कैन नाम की भी कोई चीज़ होती है, या फिर डॉक्टर उन्हें सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं होता। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे कि वो आपको सजेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में एंटी स्कैन में होता क्या है। एक्चुअली एंटी स्कैन में आपके बच्चे की गर्दन की नीचे एक लिक्विड होता है जिसकी क्वांटिटी या मात्रा आप कह लीजिए, उसके बिहाफ पे ये पता लगाया जाता है कि आपके बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं या नहीं है। जितना लिक्विड ज़्यादा होगा उतना ही चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने के। डाउन सिंड्रोम में बेबी अपने 21वें क्रोमोसोम के एक एक्स्ट्रा पेयर के साथ पैदा होता है, जिसकी वजह से उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें डिले हो सकता है, उसके जो फेशियल फीचर्स हैं उसमें डिफॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि थोड़ा जो फेशियल फीचर्स हैं वो थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं, या फिर जो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो डिले हो सकता है, यानी कि जो बौद्धिक स्तर होता है उसमें भी डिले हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एंटी स्कैन बिल्कुल ऑप्शनल है, ऐसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे ये स्कैन हुआ था। मैं उस टाइम पे मुंबई में थी और वहाँ पे ये अवेलेबल थी फैसिलिटी, तो वहाँ की डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था और मैंने करवाया था। बट मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी यानी कि इस प्रेगनेंसी में ये स्कैन मैंने नहीं करवाया, ना ही डॉक्टर ने मुझे बोला। मैंने डॉक्टर को पूछा था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने करवाया था, क्या इस प्रेगनेंसी में भी जरूरी है? तो डॉक्टर ने बोला ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। अभी माइंड में ये भी आता है कि क्यों डॉक्टर किसी को बोल रहा है या किसी को नहीं बोल रहा है फॉर दिस स्कैन। तो बात है ये कि जो मदर्स अपने 35 प्लस होती है जिनकी एज, उन्हें मोस्टली जो एडवांस जो टेस्ट रहते हैं, एक्स्ट्रा जो टेस्ट रहते हैं वो बोले जाते हैं करने को, क्योंकि उनकी एज के बिहाफ से, उनके एज फैक्टर की वजह से ये जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं बेबी में कोई भी सिंड्रोम होने के, डाउन सिंड्रोम होने के, या किसी भी चीज़ की जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो हो सकती है, एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। इसके चलते जो डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादा एज की मदर के साथ जो एक्स्ट्रा या एडिशनल टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। तो मेरे केस में ऐसा तो नहीं था, मतलब अभी जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है वो मेरे अंडर 30 की एज में मैंने कंसीव किया, तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको डाउट है, अगर आप करवाना चाहते हो, अपनी श्योरिटी चाहते हो तो आप करवा सकते हो, मैं लिख के दे दूंगी, जहां पे भी अवेलेबल है आप वहां पे जाके करवा लीजिए। बट मैंने एंटी स्कैन नहीं करवाया था, मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में करवाया था। तो अब बात करते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड होता कैसे है। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि पहला अल्ट्रासाउंड जो हुआ था वो मेरा हुआ था ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, और दो तरीके से अल्ट्रासाउंड होते हैं, या तो पेट के ऊपर से होते हैं या वजाइना के थ्रू होते हैं। तो ये जो एंटी स्कैन है ये भी दोनों तरीके से हो सकता है, बट डॉक्टर जो है वो प्रिफर करता है वजाइना के थ्रू, यानी कि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रोब होता है स्कैन के लिए वो ज़्यादा नज़दीक होता है ट्रांसवजाइनल में आपकी यूट्रस के, तो जो डिटेलिंग है वो ज़्यादा क्लियर रहती है डॉक्टर की, और इस वजह से ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो यही मेथड यूज़ करते हैं ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड का, यानी आपके वजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड होगा और इसमें आपकी जो डिटेलिंग है बच्चे की वो क्लियरली आएगी। उसके पीछे के गर्दन के पीछे का जो लिक्विड है उसकी क्वांटिटी चेक करी जाएगी, और बाकी के डिसफॉर्मेशन भी चेक किए जा सकते हैं बच्चे के हाथ पैर में, क्योंकि उस एज तक मोस्टली बच्चे की जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बन जाते हैं, और बच्चे का हार्ट चेक किया जाता है और भी बहुत सारी डिटेल्स चेक की जाती हैं।
अब बात करते हैं कि सबसे सही टाइम क्या है एंटी स्कैन के लिए। सबसे सही टाइम एंटी स्कैन के लिए होता है 11 से लेके 14 हफ्ते के बीच। 14 हफ्ते के बाद ये स्कैन नहीं किया जाता है, या तो फिर डॉक्टर आपको जो बोलेगा वो एग्जैक्ट जो होता है वो 12 हफ्ते में बोलता है। ये सबसे सही टाइम होता है एक एंटी स्कैन के लिए, तो यूजली डॉक्टर आपको 12 हफ्ते में बोलते हैं, अदरवाइज 11 से 14 हफ्ते के बीच का टाइम होता है इसको करने के लिए, और 14 हफ्ते के बाद ये स्कैन नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, यानी कि जो लिक्विड है बेबी के गर्दन में अगर उसकी जो क्वांटिटी है मात्रा है वो 3.5 mm से ऊपर आती है 11 से 14 हफ्ते के बीच, तो जनरली जो वो टेस्ट है वो रिजल्ट पॉजिटिव माना जाता है, यानी कि चांसेस हो सकते हैं कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो। तो इस टेस्ट को एक फॉलो अप टेस्ट है, यानी कि ये डाउन सिंड्रोम कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं NIPT टेस्ट। NIPT टेस्ट स्कैन नहीं है, ये एक टाइप का ब्लड टेस्ट है जिसमें आपके ब्लड में जो DNA होता है उसके थ्रू जो है टेस्ट किया जाता है, और बाकी जो के जो क्रोमोसोम है उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है कि कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो नहीं है। NIPT टेस्ट एक एडवांस टेस्ट है, तो जो इसका कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होता है, अराउंड 15,000 के इसका कॉस्ट है। ये टेस्ट मैंने नहीं करवाया था क्योंकि जो मेरा एंटी स्कैन है वो मेरा टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई थी, तो मैंने NIPT टेस्ट नहीं करवाया था। पर मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जब ली थी तो वो NIPT स्कैन अराउंड 15,000 का आज से 3 साल पहले था, तो अभी पता नहीं मुझे कितना इसका कॉस्ट है, बट NIPT का होता है 15,000 रुपये। पर आपका जो एंटी स्कैन है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, एंटी स्कैन जनरली आपका 3,000 से 4,000 के बीच हो जाता है, कहीं कहीं लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, 5,000-6,000 भी जा सकते हैं, पर जनरल जो अमाउंट है वो 3,000 से 4,000 के बीच आपका एंटी स्कैन हो जाता है। तो यही है जिसको रिस्क ज़्यादा होता है इन सब चीज़ों का, यानी कि जिस मदर की एज थोड़ी ज़्यादा है 35 प्लस जिनकी एज है उन्हें जनरली ये सब एडिशनल टेस्ट करने को बोले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपको प्रेगनेंसी है, जो आपको अपना चाइल्ड प्लान करना है वो टाइमली अपने एज में कर लेना है, क्योंकि हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे हम नहीं रोक सकते हैं, और टाइमली आपको फैमिली प्लानिंग करना ज़रूरी है। अगर आप अपनी लास्ट ए मतलब 30s में अगर आप ये सब प्लान करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो आपको कंसीव करने में ही प्रॉब्लम होगी, और अदरवाइज आप कंसीव करते भी हैं तो बच्चे में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज होने का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। तो यही रीज़न है कि आपको जनरली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने अर्ली 30s में या फिर लेट 20s में आप अपना जो प्रेगनेंसी है, अपने जो चाइल्ड प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग है वो कर लीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास अवेलेबल थी आज मैंने आपसे शेयर करी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को लेकर, क्योंकि मैं सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने ये स्कैन नहीं कराया था। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फ्रीली और ओपनली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।